विस्तार से बता दें। मेरा तो केवल इसमें एक ही निवेदन है कि जल बोर्ड के उपाध्यक्ष महोदय साउथ दिल्ली के विधायक हैं और साउथ दिल्ली की एक भी कॉलोनी का नाम केजरीवाल ने नहीं लिया जहां पानी के हाहाकार है। गलती से एक कॉलोनी का महावीर इंक्लेव का नाम महावीर विहार उन्होंने लिया, वहां पर भी महावीर इंक्लेव के अंदर बरात घर के साथ 2014 में 2013 में जब 14 में सांसद हो गए थे तो उन लाइनों का डालने का उद्घाटन और सीवर लाइन डालने का उद्घाटन हमने किया था, ऑथेंटिक रूप से सरकारी रिकॉर्ड में हमने किया था, जिस काम को भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। और उसके बाद चाहे बैंक कलानी दुर्गा विहार एल ब्लॉक के ब्लॉक ये सारा विहार के एरिया है, जे टू ब्लॉक के वन ब्लॉक के ब्लॉक यहां पर आई ब्लॉक आई टू ब्लॉक यहां पर पानी है नहीं और है तो वो ट्यूबवेलों के पैसे देकर टैंकर माफिया के माध्यम से ऑथेंटिक है ये। वहां पर इसी प्रकार के रियल आप जांच टेस्ट करेंगे तो बहुत लोग गलियों में जाकर बताएंगे कि हमने अपनी गली में बोर लगवाने के 5 लाख रुपए 20-30 हजार रुपए इकट्ठे करके दिए और विधायक ने वो पैसे लिए तब एक बोर लगा 600 फुट का बोर, उसमें भी गंदा पानी आता है लेकिन हम कपड़ा धोने के लिए मजबूरी में थोड़े से पानी का उपयोग करते हैं, पीने के लायक वो भी पानी नहीं है। आप आयनगर एक्सटेंशन चले जाए, आप छतरपुर एरिया में चले जाए, आप महावीर किले में चले जाए, कालीबाड़ी महावीर किले में चले जाए, कहीं भी चले जाए, आप राजनगर में चले जाए, कहीं भी चले जाए जहां केवल गंदा पानी है। उन कॉलोनी का नाम केजरीवाल साहब ने पता नहीं क्यों नहीं लिया, एक थर्ड दिल्ली को उन्होंने छोड़ दिया जो जमुना के साथ साथ कॉलोनी है जहां पर लोग डी बोर हैंडपंप लगा के भी पानी का उपयोग कर सकते हैं, उन कॉलोनियों का विशेष रूप से नाम लिया है क्योंकि फिल्टर वाटर प्लांट कहीं भी कॉलोनी में कहीं कोई किसी प्रकार का केजरीवाल ने 5 साल में लगाया नहीं, इसलिए वो जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं जनता उसका जवाब देगी। और आपके माध्यम से ये बीमारी जो केजरीवाल साहब गंदे पानी के माध्यम से दिल्ली में बांट रहे हैं, आप लोग भी दिल्ली की जनता की हेल्प के लिए कृपया जो अध्यक्ष जी ने नंबर दिए और वो नंबर हम डायल करके आपको बता देते हैं नंबर